दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में तीन बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए, जिसमें से पहले वाली दो खबरें हम सभी के लिए एक गर्व की बात है जो हम सभी को पता होना चाहिए, बल्कि पूरे देश को पता चलना चाहिए। आइए शुरू करते हैं तीनों खबरें एक एक करके। सबसे पहले पूर्व सैनिक लास नायक केशोलाल वर्मा, जिनकी उम्र 99 वर्ष है यानी 99 वर्ष है, वह जलंधर स्टेशन कमांडर की ऑफिस में आए और इन्होंने 1,00,000 रुपए का चेक दिया है कोविड की सिचुएशन को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि कोरोना के खिलाफ हमारी जो लड़ाई चल रही है उनके अगेंस्ट में सेवा प्रदान करने के लिए। 99 साल के ये पूर्व सैनिक है जिन्होंने 1,00,000 रुपए का चेक प्रदान किया है। 99 साल की उम्र के ये हम सभी के आदरणीय बुजुर्ग एक सर्विसमैन लास नायक केशोलाल वर्मा ने रॉयल इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये देशभक्ति और देश के प्रति अपने प्रेम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे फौजी जिन्होंने अपनी सेवाएं तो सेना को दी पर आजीवन देश प्रेम में डूबे रहते हैं। सैनिक मंत्रा ऐसे देश प्रेमी फौजी को सल्यूट करता है और पूरे देश को इनसे सीखना चाहिए। दूसरी खबर कोरोना की दवाई को लेकर है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में DRDO के द्वारा कोरोना की एक मेडिसिन 2DG को लॉन्च किया गया है। एक डॉक्टर साहब की ऑडियो क्लिप सामने आई है जो डॉक्टर साहब कोरोना वार्ड के ICU इंचार्ज डॉक्टर हैं, उन्होंने इस मेडिसिन के बारे में अपना आंखों देखा हाल व्यक्त किया है। ये ऑडियो क्लिप में बता रहे हैं कि इनके एक पेशेंट हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 30 से 40 हुआ करता था, 30 to 40, लेकिन 2DG के इस्तेमाल के बाद में एक जादू सा हुआ और 5 मिनट में ही इनका ऑक्सीजन लेवल 70 हो चुका। तो DRDO के द्वारा लॉन्च की गई इस दवाई की उपलब्धि के बारे में ये डॉक्टर अपनी खुद की आवाज़ में बता रहे हैं। जब भी देश के ऊपर कुछ संकट की परिस्थितियां आती है तो भारतीय सेना और सेना से जुड़ी हुई संस्थाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, जिसका पूरे देश को ध्यान देना चाहिए। मैं आपको इनकी ऑडियो क्लिप सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। हाय गाइस, एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑडियो बिकॉज आई एम जस्ट टू हैप्पी एंड टू जॉयफुल have patience enough to write down this news. I just spoke to one of the ICU in charge doctor where a patient was sinking. This patient is a relative of our friend Vishal Jain. Patient was sinking, his oxygen saturation was around 30 and 40, and he got this sachet of medicine which DRDO has just researched, and it's all over in media. And this doctor was actually jumping with joy seeing the result. In 5 minutes, the saturation just improved to reach beyond 70. The response was so rapid that it was seeing as, any we were considering it as a miracle. So all the team of doctors and the nurses, they were actually very happy and joyful. And while speaking to me also, I could feel how happy this guy is. So I wanted to share this news with you all, that it is samne ke samne ki baat hai. It's not somebody else talking about it, somebody else saw this thing. It's samne ke samne, and it is our friend Vishal Jain's relative only I'm talking about. So I hope this thing is going to give us a lot of boost in treating the patients. Mortality is going to be significantly down. It's such a good news. So many people lost their lives, so many doctors gone. And now this medicine has come. Such a good thing. तो दोस्तों ये थी कोरोना वार्ड के ICU इंचार्ज डॉक्टर की रिकॉर्डेड आवाज। इस उपलब्धि पर हम सभी को गर्व होना चाहिए और पूरे देश को गर्व होना चाहिए। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरी खबर है MSP के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है कि 1 जनवरी 2006 से हम सभी को इक्वल MSP लागू होना चाहिए था, और इसके बारे में हम 30 नवंबर 2018 से केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस की सुनवाई 18 मई को होनी थी,
अब इसकी अगली तारीख मिल चुकी है। अगली तारीख मिली है 2 अगस्त 2021। 2 अगस्त 2021 तक हम सभी को इस केस की अगली सुनवाई के लिए इंतज़ार करना होगा। उसके बाद जो भी नई खबर आएगी आप सभी को उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में कही गई बातें सभी फौजी भाई और पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व करने वाली बातें हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। जय हिंद।